नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शाम 6 बजे के लगभग बच्चों के साथ खेल रही मासूम को गांव के ही एक युवक ने रुपए देने के बहाने 4 साल की मासूम को अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। दर्द से पीड़ित मासूम ने घर आकर पूरी घटना की जानकारी अपनी माँ को दी। घटना की रिपोर्ट पिता ने गांव के ही कौशलेंद्र पुत्र गोरेलाल के विरुद्ध दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मासूम को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैसे क्या आपको कब पता लगा? हम दुकान पे थे, हमारी दुकान पे फोन आया पत्नी का जी, ऐसे बुलाया जी, उसके साथ बच्ची हमारी कितने बजे की घटना है? जनपद सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पगड़ी पठान अंतर्गत निवासी राम आशीष यादव को बगल के गांव के दो लोगों ने मामूली सी बात पर चाकू मार दिया, जिसकी तहरीर थाने में दी गई है। घायल का इलाज जनपद के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कई दिनों से गांव में बिजली न आने से राम आशीष यादव अपनी मोबाइल चार्जिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही पुलिया पर समीप गांव के लोग बैठे थे, जो अक्सर शाम को उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं को छीटा कसी किया करते थे, जिस पर राम आशीष यादव द्वारा वहां बैठने से मना किया गया था, जिस पर बातों ही बातों में हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई और चाकू से हमला कर दिया गया। थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर में दोनों युवकों के नाम अफरोज व असगर अली बताया गया है, जो भावपुर के निवासी बताए गए हैं। हम लोग उधर से जा रहे थे, लाइट नहीं आया था घर पे, तो चार्जिंग लगाने जा रहे थे मोबाइल, तो उधर शाम के टाइम पुल पे बैठे थे उन लोग हमारे गांव के, तो हम लोग बोले अभी इधर लेडीज आ जा रही हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं बैठ के, तो बोले ठीक है भाई हम लोग चले जाएंगे। फिर बाद में हम लोग चार्जिंग वार्जिंग लगा के आए, फिर भी उधर ही बैठे नहीं गए उन लोग। फिर पूछे तो बोलता है नहीं जाएगा तो क्या करेगा, तो हम लोग बोले अभी इधर उचित है बैठने का, हमारे गांव में बैठ या किधर भी बैठ, तो उधर बैठना तो जाके साइड में बैठ या तो, फिर गाली वाली देने लगे। उसके बाद में पकड़ा हुआ वो चाकू लिया था, हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे, कहाँ के थे? भापुर के थे। क्या नाम? नाम नहीं मालूम। कितने लोग थे? 2 लोग। इससे पहले भी विवाद हुआ था कभी? नहीं नहीं कभी कुछ नहीं। कौन सा थाना है आपको? किलोपुर। यहाँ तक कैसे है? यहाँ तक आए उधर से ही एम्बुलेंस। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हाँ हुआ। तहरीर दिए थे? कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांव से रोजगार की तलाश में मुंबई में गए 8 युवकों की सोमवार की देर रात कुरला इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक परिवार सहित गांव में मातम का माहौल पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के कई युवक मुंबई रोजगार की तलाश में 1 माह पहले गए थे। मुंबई में कुरला में जो बिल्डिंग गिरने की घटना हुई है, उसमें मृतकों में 8 लोग जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं, 3 लोग महाराजगंज के उस घटना में घायल भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की गई है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कृषक दुर्घटना बीमा योजना में भी जो देयताएं होंगी उसकी भी जांच कर परिजनों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा परिजनों को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो प्रदान की जाएगी। आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों गांव में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को 1090 बी मैन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद यूपी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। इसके साथ साथ कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैयालाल की खुलेआम नृशंस हत्या की, वहीं प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्द कहने वाले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, ये देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले हैं। द्वारा जो कन्हैयालाल जी की नृशंस हत्या इस्लामिक कट्टरवादियों द्वारा की गई है, पूरा देश इसके लिए आंदोलित है और बजरंग दल आज प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर इसके विरुद्ध इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद का पुतला फेंक रहा है, जिससे उन आतंकवादियों और कट्टरवादियों तक यह संदेश पहुंच जाए कि तुम्हारे वीडियो वायरल करने से हम डरेंगे नहीं। हम कन्हैया लाल के साथ भी हैं और हम नूपुर शर्मा के साथ भी हैं। आज ये गांधी पार्क, अपने अयोध्या के गांधी पार्क में हम लोगों ने इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का पुतला फेंक करके पूरे देश में यह संदेश देने का प्रयास किया। हमारी मांग है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। हमारा नाम धीरेश्वर है और हम लोग देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412827579456214024।
4। रेली के थाना किलात क्षेत्र अंतर्गत कल अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालने वाले अभियुक्त इशाक पति को थाना किला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 28/6/2022 को थाना किला पर वादी मुख्तियार के द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री का विवाह इशाक से लगभग 11 वर्ष पूर्व हुई थी। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और जो इनकी पुत्री थी उसके पति के द्वारा इनकी पुत्री को 3 तलाक दे दिया गया था और तब से लगभग 1 महीने पूर्व से इनकी जो बेटी थी इनके यहाँ रह रही थी। कल लगभग 12:30 बजे इशाक इनके घर आया और इनकी पुत्री को ले जाने की बात करने लगा। पुत्री के ले जाने की बात करने लगा और पुत्री के ऊपर पूर्व से जो लाए गए एसिड थे उसके वो चेहरे पे फेंक दिया गया जिसके चलते उनका चेहरा जल गया। और जैसे ही थाना पुलिस को इसकी जानकारी हुई पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पे गई और उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। इस संबंध में थाना किला पर 307, 326A और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा और 452 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो नामजद अभियुक्त इशाक था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई थी। इशाक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जब की गई कि उसने इस तरीके की घटना को क्यों अंजाम दिया तो उसने बताया कि हमारा पारिवारिक कलह चल रहा था जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया। और उससे जब ये पूछताछ की गई कि वो एसिड कहाँ से लाया तो उसने बताया कि मोहल्ला जो मलुकपुर में ही उसके जान पहचान के जो दुकानदार है जिसका नाम अजहर अली है उससे ये इसने एसिड लाया था। जो व्यक्ति इसे अवैध तरीके से एसिड जो दिया था उसके ऊपर विवेचना कार्रवाई की जा रही है और जो इशाक नामजद अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कैप्टन तारा कुस्बा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412827579456214024।